स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, इसको एक्सप्लेन करें। एग्जाम में हमारे जो ओल्ड कोर्स था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ESSM में, उस पे इस पे कई बार सवाल पूछा जाता था, तो आइए अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कंपनी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो टिपिकली ब्लेंड होती है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर, प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव मतलब प्री प्लान। ठीक है, जहां हम अपनी कंपनी की मार्केट इमेज और पोजीशन और परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात कर सकते हैं, और दूसरा रिएक्टिव हो सकती है, जो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हो सकते हैं या मार्केट कंडीशन में जो बदलाव आते हैं उनकी डायनेमिक कंडीशन को देख के बनाए जाते हैं। तो एक होता है प्रोएक्टिव, एक होता है रिएक्टिव। ठीक है, प्रोएक्टिव तो होता है प्लान्ड, पहले से ही सोचा हुआ, और रिएक्टिव होता है अडाप्ट किया हुआ, अडाप्ट किया हुआ समय के अनुसार जरूरत के मुताबिक उसे बदल के बनाया हुआ। बात आ रही है क्या बेटा सबको समझ में? तो एवरी स्ट्रैटेजी ऑफ दिस वर्ल्ड इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। कंपनी जो होती है वो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों स्ट्रैटेजी को बनाया करती है ताकि अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट को डील किया जा सके। प्रोएक्टिव जो है वो प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, और रिएक्टिव स्ट्रैटेजी जो है वो अडाप्टिव हुआ करती है। ठीक है, प्रोएक्टिव जो है वो प्लान्ड है, और रिएक्टिव जो है वो अडाप्टिव है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार है, चेंजिंग सरकमस्टांसेस के अनुसार है। वो कैसे बनती है? चेंजिंग सरकमस्टांसेस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार बदल के बनाई जाती है। अब जैसे मैं ये क्लासे ले रहा हूं बेटा आपकी, ऑनलाइन ले रहा हूं, है ना, प्लान तो यही किया हुआ है कि मंडे से सैटरडे आपकी क्लासे ली जाए, संडे अपनी छुट्टी रहेगी, एक दिन आपको भी हम देते हैं कि एक हफ्ते में हमने जो पढ़ा है वो कर लिया जाए। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है बत्रा सर को कोई अति आवश्यक काम हो गया, या मैं अपनी जगह मौजूद नहीं हूं, तो मैं अपनी लाइव क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अपनी लाइव क्लास को किसी संडे को भी शिफ्ट कर सकते हैं। प्लान तो ये किया था कि संडे को छुट्टी रखेंगे, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन जाए कि हमें मंडे टू सैटरडे में छुट्टी करनी पड़ जाए, तो हम हो सकता है किसी दिन संडे को भी प्लान कर लें। तो क्या परिस्थिति के अनुसार हम स्ट्रेटेजी को बदल नहीं सकते? इसी को तो रिएक्शन या अडाप्टिव स्ट्रेटेजी कहा करते हैं। मैं दो और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा। पहला, आपको पता होगा टाटा जो है वो नैनो बनाने के लिए सिंगूर नाम की एक जगह पे कोलकाता में जो है इसे बनाना चाहते थे। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। चूंकि सिंगूर जो जगह है वो एक खेतीबाड़ी वाला इलाका है, और किसानों के उस एरिया में बुद्धदेव भट्टाचार्य की कम्युनिस्ट सरकार ने टाटा को जमीन दी थी। लोगों ने एजिटेशन कर दिया कि आप हमारी कृषि प्रधान जो है जमीन को क्यों यूज कर रहे हो, आप कोई रॉकी लैंड, बैरन लैंड जिस पे कुछ नहीं होता है वहां पे फैक्ट्री लगा सकते हैं, हमारे रोजी रोटी क्यों छीन रहे हैं। और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया, ममता बनर्जी ने इसको लपक लिया। पॉलिटिशियंस का काम ही होता है मुद्दों को लपकना, और उन्होंने बड़ा एजिटेशन किया, और उस एजिटेशन के कारण ही ममता बनर्जी अपनी सरकार बना पाई, और आप देख रहे हैं 15 सालों से सरकार में लगातार चल रही है। ये तब की है, सिंगूर वाली घटना है। टाटा को समझ में आ गया कि अब ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो गई है, मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा। टाटा ने इमीडिएटली अपनी चीजों को वाइंड अप किया, 500 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ उन्हें। और उस समय मुख्यमंत्री गुजरात थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इन्वाइट किया कि आप यहाँ आ जाए, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे। तो उन्होंने अपने आप को मूव किया सानंद में, और यहाँ नैनो बनाई। अच्छा, गुजरात ही क्यों आए वो, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ क्यों आए? और भी जा सकते थे, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, वो भी बुला रही थी, लेकिन चूंकि उसके बाद इलेक्शन होने वाले थे, तो रतन टाटा ने कहा पता नहीं राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकार बदल जाया करती है ना, पता नहीं वापस आवे नहीं आवे, मैं फंस जाऊंगा। फिर एक YSR रेड्डी साहब हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था हम आपको जगह देते हैं आप आ जाइए, वो जगह दे रहे थे नक्सलाइट एरिया में। तो टाटा ने कहा कि नक्सलाइट एरिया में रो रो झगड़ेगा कौन नक्सल लोगों से, उन्होंने वहां भी मना कर दिया। नरेंद्र मोदी अपना सेकंड टेन्योर में अभी आए थे, और मालूम था 5 साल इनकी सरकार चलेगी, और नरेंद्र मोदी प्रो बिजनेस जो है वो ग्रुप के माने जाते हैं, तो ये सोचते हुए टाटा ने उनके साथ काम करना पसंद किया। तो फैक्ट्री तो लगाने की सोची थी सिंगूर में, लगी गुजरात के सानंद में, लेकिन अल्टीमेट गोल नैनो बनाने का बदला नहीं हमारे। तो मैक्सिमम हिस्सा कि छोटी कार बनानी है, लोगों तक पहुंच की कार बनानी है, नैनो वो बदला नहीं हमारा, तो वो तो प्रोएक्टिव ही रहा, लेकिन जगह बदल गई। पश्चिम बंगाल के सिंगूर से निकल के हम गुजरात के सानंद में आ गए। बात आई समझ में? सो इट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस। क्या ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बताएं।
फटाफट से यस सर यस सर, या जी सर जी सर लिख दो, तो मुझे पता चले मेरी बात आप तक पहुंच गई है, आपको बात समझ में आ गई है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, सभी ने लिख दिया है, हमें समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात। एक और एग्जांपल से मैं समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है? आपको मालूम है मुकेश अंबानी ने अपना पहला रिलायंस फ्रेश स्टोर हैदराबाद में खोला था, 2008 की बात है, ग्रैंड सक्सेस। सब्जी बेचने का, फल फ्रूट बेचने का इससे बढ़िया तरीका दुनिया ने नहीं देखा था। हम अक्सर सब्जी को सब्जी मंडी से बहुत गंदे तरीके से अरेंजमेंट में लेके आया करते थे, या सब्जी के ठेले जो हमारे घर के आसपास निकलते थे, सोसाइटी में आते थे, उनसे लिया करते थे, जहाँ फिक्स प्राइस नहीं है, बार्गेनिंग बहुत होती थी। लोगों को आवश्यकता थी कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से फल फ्रूट सब्जी हमें मिले, शॉपिंग स्टाइल करने का एक आनंद आए हमारे को, और इस बात को रिलायंस ने अच्छे से समझा, मुकेश अंबानी ने समझा, और उन्होंने 2008 में इसको डाला। एक ग्रैंड सक्सेस के बाद उसे देश भर में उन्होंने कंटेम्पलेट किया, सब जगह लगाया। उस जमाने में 2008-09 के आसपास उत्तर प्रदेश में सरकार हुआ करती थी मायावती जी की, बस बहुजन समाज पार्टी की। जैसे ही वो वहां लगे, लखनऊ में कुछ सब्जी वाले ठेले वालों ने एजिटेशन कर दिया कि अगर सब्जी रिलायंस ऐसे बेचेगा तो हमारे तो रोजगार छिन जाएंगे, रोजी रोटी छिन जाएगी, हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, और उन्होंने एजिटेशन कर दिया। राजनीति के लोग मुद्दा ढूंढते हैं, मायावती को इसमें एक राजनीतिक मुद्दा नजर आया। उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि हमारे राज्य में मुकेश अंबानी के रिलायंस फ्रेश स्टोर नहीं चलेंगे, बैन किए जाते हैं। अब बेटा, मुकेश अंबानी जी के पास दो तरीके थे, या तो जाके उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें कि मेरे को बिजनेस करने से कोई क्यों रोक सकता है, यह मेरा संवैधानिक अधिकार है, या दूसरा तरीका है सरकार से पंगा न लें और अपना काम कर लें, क्योंकि सरकार से पंगा लेने का मतलब होता है जैसे सहारा के साथ हुआ, जब तक लोग उनके साथ थे सहारा ग्रुप ऊपर चढ़ता चला गया, जैसे ही राजनीतिक लोगों ने अपनी भ्रुकुटी तानी, सहारा ने दुनिया को बेसहारा कर दिया, और आपने देखा अभी जब उनकी डेथ हुई तो उनके बच्चे भी उनके पास नहीं आ पाए, पोते आए उनके पास, आपने देखा। तो ऐसी स्थिति हो जाती है जब पॉलिटिकल सपोर्ट आपका चला जाया करता है। तो बेटा, बहुत समझदार लोग हैं अंबानी लोग, रिलायंस वाले, उन्होंने कहा पंगा नहीं लेते, कुछ और खोल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस ज्वेल स्थापित कर दिया, मतलब रेडीमेड तरीके की ज्वेलरी आपको मिलेगी, आप पैसे लेके आए, बनी बनाई ज्वेलरी पड़ी है, अपने को लगा के चेक कर लें, सामने डिस्प्ले है आपका, पसंद आता है खरीद के ले जाओ, बनवाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब जो हमारे छोटे छोटे सुनार लोग हैं जो हर शहर में काम किया करते हैं, उनके कॉम्पिटिशन में, और बिल्कुल मेकिंग चार्जेज स्टैंडर्ड, सोने की शुद्धता की हॉलमार्क जो है चेकिंग, ये सबके साथ में बेटा वो देने लगे। ये क्यों हुआ, क्योंकि मायावती ने उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने सब जगह रिलायंस फ्रेश बंद कर दिया, बिल्कुल नहीं। जिन राज्यों ने रिलायंस फ्रेश के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई, वहां रिलायंस फ्रेश चलते रहे, हमारे राजस्थान में चल ही रहे आज तक। लेकिन मायावती ने चूंकि यूपी में बैन किया था, हालांकि अब तो यूपी में भी चल रहा है योगी जी की सरकार में, लेकिन उन्होंने रिलायंस ज्वेल अडॉप्ट किया। तो मतलब दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी जैसी सोची जाती है वैसी लागू नहीं होती, परिस्थितियां ग्राउंड लेवल पे कुछ अलग होती हैं, जिनके अनुसार हमें भी अपने आप को परिवर्तन करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं एवरी स्ट्रेटेजी ऑफ दिस वर्ल्ड इज पार्टली प्रोएक्टिव, या मेजरली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, मतलब प्लांट वाला हिस्सा ज्यादा होता है, रिएक्शन वाला अडाप्टिव वाला हिस्सा परिस्थितियों के अनुसार कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन प्लांट वाला हिस्सा तो ज्यादा होगा, ये तय बात है। बात आ रही सबको समझ में, तो एक बार लिख दो, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, जैसे भानुमति ने लिखा है नो डाउट नो डाउट नो डाउट, आप सब लोग भी लिख दें नो डाउट नो डाउट नो डाउट। भानुमति कह रही है कुछ नहीं होता पर कुछ हो जाता है, बिल्कुल सही, कुछ कुछ होता है ना, बहुत कुछ होता है, ये दुनिया है बेटा, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है, तो कोई डाउट नहीं है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। हम बिल्कुल नहीं करते गंदी बात, हम करते केवल अच्छी बात। अच्छा बताओ, लाइव पढ़कर कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको फेस टू फेस की कोई कमी महसूस हो रही है, या आपको लग रहा है जैसे आपके सामने ही सब कुछ चल रहा है?
जरा चैट बॉक्स में मुझे बताएं। 24 मित्तल कह रहा है मजा आ रहा है कसम से। अंजलि अग्रवाल कह रही है एकदम मस्त है सर, क्या बात है, लव यू बच्चों, लव यू, बस मजा आना चाहिए बेटा। ये सब्जेक्ट अगर कोई एक्सपर्टीज से आपको पढ़ा रहा है, अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहा है, तो बेटा ये सब्जेक्ट बहुत मजा देता है। और बेटा कोई ऐसा पढ़ा दे जो पहले FM पढ़ाता था और जबरदस्ती उसने SMB ले लिया, तो वो सजा कर देगा। तो ये सब्जेक्ट मजे की बजाय सजे में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लिए सजा में कन्वर्ट हो जाएगा। अंजलि अग्रवाल कह रही है ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में बैठे ही पढ़ रहे हैं आपसे। बिल्कुल बेटा वही फीलिंग आती है बत्रा सर की क्लास में, चाहे आप किसी भी मोड में पढ़ लें, फेस टू फेस, ऐप के ऊपर, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव या कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक बात सबको क्लियर है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और एक डायग्राम से समझते हैं। एक कंपनी की एक्चुअल स्ट्रेटजी जो होती है वो प्लान्ड होती है काफ़ी हद तक, और फिर बाकी होती है रिएक्टिव। तो आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। आइए, कंपनी अपने एक्सपीरियंस जो उसको अनुभव है, कंपनी अपनी नो हाउ जो उसको नॉलेज है, नो हाउ का मतलब होता है नॉलेज, कंपनी के जो रिसोर्सेज हैं मैन पावर मशीन मटीरियल, कंपनी की जो अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस है और कॉम्पिटेटिव कैपेबिलिटी है मार्केट में कॉम्पिटिशन के लड़ने की, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है। उन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी बनाती है जिसमें कई नए इनिशिएटिव लिए जाते हैं पुराने पीरियड के कामों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब परिस्थिति बदलती है, मार्केट में स्थितियां बदलती है, तो आपको कुछ अडॉप्टिव रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए चेंजिंग सर्कमटांसेस के अनुसार कुछ रिएक्टिव स्ट्रैटेजी एलिमेंट जोड़ने पड़ते हैं और कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है, जिसको अबंडन स्ट्रैटेजी एलिमेंट कहते हैं। मतलब आपने स्ट्रैटेजी सोची, 70-80% स्ट्रैटेजी वैसी लागू हो रही है, लेकिन 15-20%, 25% स्ट्रैटेजी समय के अनुसार बदलनी पड़ रही है। लेकिन जो बदलनी पड़ रही है वो नए एलिमेंट है, लेकिन जो 15-20-25% आपने छोड़े वो अबंडन है, वो इससे छोड़ने पड़ते हैं हमारे को, और उसके बाद जाके लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्चुअल स्ट्रैटेजी बनती है जो जाके ग्राउंड लेवल पे लागू होती है। बात आई क्या सबको समझ में? तो हम 100% पहले प्लान करते हैं, जब ग्राउंड लेवल पे लागू करने की कोशिश करते हैं तो मालूम पड़ता है कई परिस्थितियां बदल गई। जिस मैन पावर को इंप्लीमेंट करना था वो आया नहीं, उसकी जगह दूसरा लागू करना पड़ रहा है, जो दूसरा आया है उतना कैपेबल नहीं है, तो हम उससे सारा काम करवा नहीं पा रहे हैं, हमारे पास में उतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास उतने मार्केटिंग बजट्स नहीं है, परिस्थितियां बदल गई है, सरकार की तरफ से कोई रोक टोक आ गई है, कस्टमर की प्रेफरेंस स्टाइल बदल गई है, तो हम क्या करते हैं अपनी प्लान्ड स्ट्रेटजी जो 100% की थी उसमें से वो सारे कंपोनेंट हम हटा देते हैं, अबंडन कर देते हैं, जिनको लगता है अब लागू करना मुश्किल होगा, और उसकी जगह नई परिस्थितियों को देखते हुए कुछ कंपोनेंट डाल देते हैं, मार्केटिंग के तरीके या आपके बजट्स को बढ़ाने घटाने के तरीके, कस्टमर तक पहुंचने के तरीके में बदलाव लाते हैं, इसको कहते हैं रिएक्टिव। और इस तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी का निर्माण होता है जो काफी हद तक पुराने जैसे कंपोनेंट की थी और कुछ उसमें परिस्थिति जन्य, परिस्थिति के अनुसार नए कंपोनेंट डाले गए हैं, और उसके बाद जो एक्चुअल स्ट्रेटेजी होती है उसे हम लागू किया करते हैं। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अंजलि अग्रवाल कह रही है सर मैंने कोई और सब्जेक्ट की अलग से क्लास नहीं ली, बस SM की ही ली है आपके पढ़ाने के तरीके को देख के। धन्यवाद बेटा। और मैं तो कहूँगा बेटा आप बत्रा सर की इस पढ़ाई को पसंद करते हैं तो बेटा भारत भर के बच्चों तक ये बात पहुँचाएं कि बत्रा सर इस सब्जेक्ट को बेटा आपको केवल पढ़ाएंगे नहीं, जिंदगी भर के लिए काम आने लायक बना देंगे, क्योंकि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, भविष्य के फाइनेंशियल मैनेजर, कंपनी के फ्यूचर CFOs, या हो सकता है आगे आप एंटरप्रेन्योर बन के कोई बिजनेस ही करें, उनमें भी ये सारी चीजें आपको काम में आने वाली है, क्योंकि आपके बत्रा सर बेटा केवल सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी जीते हैं, क्योंकि मैं हूं बेटा प्रोसेस ऑटोमेशन और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ऐसे कई उदाहरण ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में मैं दूंगा जब टॉपिक्स आएंगे कि हमने अपनी जिंदगी में इन्हीं सिद्धांतों को अपनाते हुए अपने क्लाइंटों को जिनसे मैं कंसल्टेंसी फीस लिया करता हूं क्या सजेस्ट किया, अपने बिजनेस में, अपने हॉस्पिटल में, अपने फ्रूट के बिजनेस में, अपने रियल एस्टेट में हमने क्या किया। बात आ रही है सबको समझ में? तो इस डायग्राम को सभी लोग याद कर लें, ये डायग्राम किसका है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी को
डायग्रामेटिकली दिखाने का एक तरीका है, कुछ हिस्से अबेंडन कर दिए जाते हैं जो अब काम नहीं आते, और कुछ हिस्से रिएक्टिव तौर पे जोड़ दिए जाते हैं जो परिस्थिति के अनुसार होते हैं, और तब बनती है हमारी एक्चुअल स्ट्रैटेजी। जैसे आपको हमने बताई, कौन सी? टाटा की बताई हमने, सिंगूर से टू सानंद गए, सिंगूर से सानंद गए टाटा की। और रिलायंस की, रिलायंस फ्रेश से रिलायंस ज्वेल पे कन्वर्ट हुए। तो रिलायंस फ्रेश से ज्वेल पे गए और टाटा सिंगूर से सानंद पे गए। अल्टीमेटली जो मकसद था नैनो बनाने का वो पूरा किया। अल्टीमेटली मार्केट में बने रहने का जो मकसद था, चाहे ज्वेल के बेसिस पे बनो या फ्रेश के बेसिस पे बनो, वो पूरा किया। बात आई क्या समझ में? तो इस तरीके से दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी पार्टली प्रोएक्टिव और पार्टली रिएक्टिव हुआ करती है।